नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेक फेस्ट। मैं हूँ कौस्तुभ साखरले। तो आज हम देखेंगे रेडमी का नया वर्जन आया, रेडमी वाई वन। तो रेडमी ने लॉन्च किया है इंडिया में रेडमी वाई वन, जो सेल्फी के लिए बहुत फेमस हो रहा होने वाला लगता है। 16 MB का इसमें कैमरा दिया है, तो इसकी खासियत मेन रहेगी कि सेल्फी कैमरा ही रहेगा। 16 MB का कैमरा है। जो इसमें प्राइस दिया है 8,999, जो आप देख रहे हो वीवो और अदर कंपनी रहेगा तो वो 25 के आगे ही रहेगा आपको 16 MB का कैमरा। पर इसमें 8,000 में, मतलब 9,000 में सेल्फी कैमरा मिल रहा है, तो अच्छी बात है रेडमी की तरफ से। ये अगर आप सेल्फी के दीवाने होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है सेल्फी। 16 MB का कैमरा मतलब अच्छा ही है बहुत। इसका कैमरा की बात करेंगे तो 16 MB का फ्रंट कैमरा और 16 MB का बैक कैमरा भी है इसमें, जो दोनों 16 16 MB के कैमरे है। जो रेडमी का जो मेन का कि उसके सेल्फी अच्छे नहीं निकलते, जो इसमें आप चेक कर सकते हो कि कैसे फ़ोटो है सेल्फी का। इसमें ये खासियत है रेडमी की। और ऊपर से इन्होंने स्किन टोन दिया, मतलब आपका सेल्फी अच्छे से निकले उसको एडिटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही कैप्चर करेगा। कुछ स्मार्ट ब्यूटी टाइप इसमें दिया गया है सेंसर के तरफ से, ये इसमें खासियत है। तो और वो खासियत देखेंगे तो इसमें आपको दिया है ड्यूअल सिम दिया गया है, माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। आप स्टोरेज इसकी 128 GB तक बढ़ा सकते हो। जो स्लिम स्लॉट है वो हाइब्रिड स्लॉट है, जो जिसको आप निकाल सकते हो पिन से। और इसके साथ इसको सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो इसको फिंगरप्रिंट सेंसर, पैटर्न लॉक और जो सब में रहता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करेंगे तो वो 0.3 टाइमिंग देता है, मतलब फास्ट टाइपिंग है, सेम टू सेम रेडमी फोर की तरह। जो इनेस टाइम है वो 0.3 है। इसकी बॉडी देखेंगे तो गोल्ड लुक होता है, ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में और गोल्डन कलर में बॉडी है इसकी, जो आप देख सकते हो। बैटरी के बारे में बात करेंगे तो बैटरी इसका 3080 CMAH का है, जो लॉन्ग लाइफ बैटरी दिए गए हैं रेडमी का, मतलब वो 10 दिन से चल सकती है। प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 435 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो गेमिंग के लिए स्मूथ और फास्ट भी है, जो एक अच्छी बात है इसमें। ग्रे कलर का वजन आप देख सकते हो, फ्रंट से ब्लैक है पूरा, स्क्रीन लाइट दिख रहा है और पीछे से ग्रे कलर में, और सेंसर भी ग्रे कलर में दिया गया है। इसमें रेडमी का नया अपडेटेड वर्जन है नहीं, पर वो आएगा, अपडेट करके आएगा। तो रेडमी ने बताया कि 17 नवंबर को इसमें MIUI 9 का वर्जन आएगा, जो लोड होगा सिस्टम इसमें, जो कस्टमाइज है, जो बैटरी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएगा और फास्ट भी है। इसके बॉडी के बारे में बात करेंगे तो थीन बॉडी है, अच्छा है, स्टाइलिश है। बॉडी इसका प्लास्टिक का है, पर जिस तरह फील आता है वो लुक मेटल का लगता है। स्टोरेज के बारे में बात करेंगे तो इसका स्टोरेज है 64 GB का स्टोरेज दिया गया है इसमें, और 64 GB का स्टोरेज के साथ उसमें 32 का वेरिएंट भी है, जो 64 का है वो 10,999 और 32 का जो है वो 8,999 में दिया गया है। तो ये स्पेसिफिकेशन है, तो खास करके सेल्फी के लिए बहुत अच्छा कैमरा है, 16 MB का कैमरा दिया गया है। तो आपका ओपिनियन मुझे सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।